सो बेसिकली मैंने यहाँ पे यही दिखाने का कोशिश किया है कि कैसे आप अपने कोई भी एवरीडे वेयर रेगुलर टॉप के साथ, कोई भी मटेरियल के साड़ी, चाहे वो सिल्क, कॉटन, जॉर्जेट, शिफॉन, कुछ भी हो, उसको बहुत ही इजीली एंड स्टाइलिश वे में पेयर अप कर सकते हैं। और इससे आपका बेली भी नहीं दिखेगा, जस्ट इन केस यू हैव बेली फैट और यू फील शाई टू शो ऑफ योर टमी। और इसमें सारे स्टाइल को आप वीकडेज में एंड वीकेंड्स में सब में पहन सकते हैं, और उसके लिए आपको ब्लाउज का भी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गाइज, जैसा कि मैंने मेरा लास्ट वीडियो में ही कहा था कि बहुत ही जल्दी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल फैशन ब्लॉग आने वाला है मेरे चैनल पे, तो आज मैं वही ब्लॉग लेके हाजिर हो गई हूँ आप लोगों के सामने। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आज आप पहली बार मुझे ज्वाइन किए हैं तो मैं बता दूँ कि मैं हूँ पॉलमी और स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पे। यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, ट्रैवल, DIY, तरह तरह के वीडियो। तो इन सारे वीडियोस का मजा लेने के लिए जुड़े रहिएगा मेरे साथ। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे जो सब्सक्राइब बटन है रेड कलर का उसको प्रेस करके, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरा मोटिवेशन को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है और सब्सक्रिप्शन इज कम्प्लीटली फ्री ऑल्सो। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को और अब चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आई फील साड़ी जितना वर्सेटाइल दूसरा कोई भी ड्रेस नहीं होता, बिकॉज यू कैन स्टाइल योर साड़ी इन सो मेनी डिफरेंट वेज। जैसा कि मैंने मेरा एक वीडियो में आप लोगों को दिखाया था कैसे आप लोग आपके साड़ी को अपने पैंट्स, ट्राउजर्स, जीन्स के साथ पेयर अप कर सकते हैं। मेरा एक दूसरा वीडियो में मैंने दिखाया था कैसे आप लोग आपके साड़ी को एक लहंगा के साथ पेयर अप कर सकते हैं। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप आपके साड़ी को उसका जो रेगुलर ब्लाउज आता है उसके अलावा दूसरा कोई भी आपके रेगुलर टॉप्स के साथ आपके साड़ी को किमअप करके एक नया लुक दे सकते हैं उस साड़ी को। एंड ट्रस्ट मी, जो लुक क्रिएट होगा दैट वुड बी अ सुपर स्टाइलिश एंड सुपर कूल लुक। और उसको क्रिएट करना इतना इजी है कि देखने के बाद आप लोग ही बोलेंगे ये सच में इतना इजी था तो हम लोग पहले क्यों नहीं ट्राई किए। और ये सब तरह के एज ग्रुप के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल वीडियो होने वाला है, क्योंकि आई एम श्योर टीनेजर से लेके ओल्ड एज तक कोई भी लेडीज ऐसे नहीं होंगे जो लोग साड़ी पहनते टाइम ब्लाउज लेके प्रॉब्लम फेस नहीं किए हो। तो अब इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया तो जल्दी से चलिए देख लेते हैं। Let me start with this black polka dotted shirt style tunic, जो बहुत ही ज़्यादा common style है tops में और ये बहुत ही comfortable and smart look भी देता है पहन के। मैं इसको Max Fashion से ली थी और इसको मैं हमेशा ही denims या फिर trousers के साथ ही pair करती हूँ, and I'm sure आप लोग भी वही करते होंगे इस तरह के tunics के साथ। अभी इसको मैं साड़ी के साथ style करके दिखाती हूँ। By the way, मेरा सारा ही tops में आप लोगों को ऐसे creams दिखाई देगा, that's because मैं ये सब को पहनने के बाद shoot कर रही हूँ, पहले मैं भूल गई थी। आई एम सो सॉरी, प्लीज कंप्रोमाइज विद दैट। नाउ, क्योंकि ट्यूनिक का फिट कंफर्टेबल है इसलिए मैंने इसको पेयर किया है विद दिस वेरी सिंपल वाइट, मरून एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन की लाइट वेट बॉडी हगिंग शिफॉन साड़ी के साथ, जो मेरा ट्यूनिक को बहुत ही अच्छे से कम्प्लीमेंट भी कर रहा है। साड़ी को मैंने रेगुलर स्टाइल में वेयर किया है, जस्ट पल्लू को कमर के तरफ से काफ़ी लूज रखा है ताकि वो पीछे से मेरे टॉप के नीचे रहे। उसके साथ मैंने ऐड किया है लॉट्स ऑफ सिल्वर ज्वेलरीज लाइक अ बिग स्टेटमेंट ईयररिंग, उसको बैलेंस करने के लिए गले में सिंपल चेन एंड पेंडेंट, एक हाथों में सिल्वर बैंगल्स एंड दूसरे हाथ में ओनली अ स्टेटमेंट रिंग। बालों को मैंने एक मेसी बन कर लिया है एंड अ न्यूड लिपस्टिक एंड दैट्स इट। यू विल गेट अ सुपर स्टाइलिश an elegant look and this would be perfect for any teacher, professor, doctor or any other corporate woman or for your workplace. अब ट्यूनिक में ही एक कम्प्लीटली दूसरा लुक मैं दिखाने वाली हूँ आप लोगों को। ये एक वाइट ट्यूनिक है फ्रॉम द ब्रांड बेयर डेनिम। पिछले वाला से थोड़ा सा इसका स्टाइल अलग है, बट ये भी बहुत ही कॉमन स्टाइल है ट्यूनिक में। इसको भी मैं यूजुअली डेनिम्स के साथ ही पहनती हूँ हमेशा, और अब इसको मैं साड़ी के साथ स्टाइल करके दिखाती हूँ। So this time I'm wearing a cotton sari. I bought this sari from a particular part of West Bengal called Shantiniketan and the sari name is Khesh. So यहाँ भी मैंने regular style में ही साड़ी को पहना है, but पल्लू को मैंने यहाँ गले में wrap किया है just like a scarf.
उसके लिए पूरा साड़ी को पहनने के बाद सिर्फ अपने पल्लू को पकड़ के राइट शोल्डर से सामने लाइए, जैसा फ्रंट में पल्लू रखने के लिए करते हैं हम लोग यूजुअली, और फिर उसको लेके अपने गले में रैप कर लीजिए लाइक अ स्कार्फ। और फिर उसका जो एंड होगा उसको आपको ट्यूनिक के कॉलर के अंदर ही छुपा देना है। आप चाहे तो उसको सेफ्टी पिन के मदद से सिक्योर भी कर सकते हैं। मैं इसको ऐसे ही छोड़ दे रही हूँ क्योंकि ये कॉटन साड़ी है तो इसको रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये रेडी हो गया आपका स्कार्फ लुक साड़ी ड्रेपिंग। एंड टू कम्प्लीट द लुक आई एडेड अ पेयर ऑफ ब्रॉन्ज कलर झुमकीज एंड हाथों में मैचिंग काड़ा, बालों में सिंपली एक छोटा सा क्लचर लगा लिया और एक मैचिंग बिंदी ऐड किया एंड दैट्स इट। दिस लुक वुड बी परफेक्ट फॉर योर वर्क प्लेस और एनी अदर कल्चरल प्रोग्राम और स्कूल टीचर्स एंड एब्सोल्युटली एप्रोप्रिएट फॉर समर्स। अब बारी है शर्ट की। मैं यहाँ पे एक डेनिम शर्ट को स्टाइल करने वाली हूँ साड़ी के साथ। ये मैंने ऑनलाइन लिया था एंड आई एम श्योर इस तरह का कोई भी डेनिम शर्ट या जैकेट कुछ ना कुछ हम सबके पास रहता है। और अगर नहीं भी है आपके पास डेनिम का कुछ तो आप अपने कोई भी फॉर्मल शर्ट को इस तरह से स्टाइल कर सकते हैं। इसको मैं मोस्टली डेनिम्स के साथ या कभी कभी कुर्तीज़ के साथ पेयर अप कर लेती हूँ, बट आज मैं इसको पेयर कर रही हूँ विद दिस वेरी सोफिस्टिकेटेड बेज ब्लू एंड ग्रीन कॉम्बिनेशन की प्योर सिल्क साड़ी के साथ। साड़ी को मैंने गुजराती स्टाइल में फ्रंट में पल्लू करके पहना है, बट पल्लू को प्लीट्स करके एक ही साइड में मैं रखी हूँ। और पूरा लुक को और स्मार्ट बनाने के लिए आई जस्ट एडेड अ बेल्ट ओवर इट। बेल्ट के साथ मैच करके आई एडेड अ लॉन्ग नेक पीस और इसलिए मैंने इयररिंग को स्किप किया है और हाथों में एक स्लीक वॉच एंड हेयर को ओपन रख दिया एंड यू आर एब्सोल्युटली रेडी टू स्ले। वेरी सोफिस्टिकेटेड, वेरी स्मार्ट एंड लेट मी टेल यू दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट लुक इन दिस लुक बुक। इट इज एब्सोल्युटली परफेक्ट फॉर एनी ऑफ द कॉर्पोरेट लेडी और एनी ऑफ योर वर्क प्लेस। अब मैं इस ब्लैक एंड व्हाइट एसिमेट्रिक प्रिंटेड क्रेप मटेरियल की बेल स्लिप स्टॉप को स्टाइल करने वाली हूँ। इस तरह के बेल स्लिप स्टॉप्स अभी बहुत ही ज़्यादा फैशन में है। इसको मैंने लिया था limelight.com से और इसको मैं शायद 100 टाइम्स पहन चुकी हूँ विद डेनिम्स। सो इसीलिए अभी मैं इसको स्टाइल करने वाली हूँ विद दिस वेरी कैजुअल ऑका येलो ब्राउन एंड वाइट कॉम्बिनेशन की एवरीडे वेयर जॉर्जेट साड़ी के साथ। साड़ी को मैंने अगेन एकदम रेगुलर स्टाइल में किया है, बट दिस टाइम पल्लू को मैंने यहाँ दुपट्टा की तरह यूज किया है। उसके लिए पूरा साड़ी को पहन लीजिए और फिर पल्लू को अपने राइट शोल्डर से सामने लेके आइए कुछ इस तरीके से, और फिर उसको गले से होते हुए लेफ्ट शोल्डर से पीछे लटका दीजिए एग्जैक्टली लाइक अ दुपट्टा। और मैंने यहाँ पे साड़ी के बॉर्डर में जो डिज़ाइन है उसको गले के सामने रखा है जस्ट टू मेक इट मोर ब्यूटीफुल। और हो गया रेडी आपका दुपट्टा स्टाइल साड़ी वेयरिंग। गले में मैचिंग लॉन्ग नेक पीस पहन लिया, हाथों में ब्रेसलेट, इयररिंग को मैंने स्किप किया है क्योंकि हेयर मैंने ओपन रखा है एंड अ न्यूड लिपस्टिक एंड दैट्स इट। हियर यू गो, वेरी स्मार्ट एंड वेरी स्टाइलिश लुक फॉर एनी ऑफ योर कैजुअल आउटिंग, शॉपिंग, फ्रेंड्स मीट और एनी ऑफ योर वर्क प्लेस। अब आ रही है एक बेसिक सॉलिड कलर टी शर्ट का जो सारे लड़कियों के पास होता ही है कोई ना कोई कलर में। माइन इज़ फ्रॉम द ब्रांड जेलस 21। इस तरह के टी शर्ट्स वी ऑलवेज वेयर विद जीन्स और शॉर्ट्स, बट अब मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे आप इस तरह के बेसिक सॉलिड टी शर्ट को भी साड़ी के साथ टीम अप कर सकते हैं और वो भी एक बहुत ही स्टाइलिश वे में। क्योंकि टी शर्ट सिंगल कलर में है इसलिए मैंने एक वेरी सिंपल मल्टी कलर्ड फ्लोरल प्रिंटेड शिफॉन साड़ी सिलेक्ट किया है जिसमें मेरा टी शर्ट का कलर भी है और इसीलिए ये साड़ी को कम्प्लीमेंट भी कर रहा है। साड़ी को सिंपली रेगुलर स्टाइल में वेयर कर लिया, जस्ट पल्लू को नेक के पीछे से घुमा के राइट शोल्डर से सामने लेके आई हूँ और फिर उसको ओरिजिनल पल्लू के ऊपर से क्रॉस ओवर करके बेली के सामने थोड़ा स्प्रेड कर दी हूँ। फिर पल्लू को वहाँ पे सेट रखने के लिए और लुक्स को थोड़ा और ट्रेंडी करने के लिए आई एडेड अ बेल्ट। इस लुक में आपका अगर बेली फैट भी है तो वो भी कम्प्लीटली छुप जाएगा। एक्सेसरीज में आई एडेड अ स्लीक वॉच एंड एक स्टेटमेंट इयररिंग, हेयर्स को ओपन रख दिया एंड दैट्स इट, यू आर गुड टू गो। दिस लुक इट्स वेरी ट्रेंडी एंड एब्सोल्युटली परफेक्ट फॉर टीनेजर्स एंड कॉलेज गोअर्स।
Now I have chosen this solid black sleeveless casual top from the brand Akriti and I bought it from Pantaloons. इस तरह का कोई ना कोई स्लीवलेस टॉप हम सबके पास होती है और अगर नहीं भी है तो यू कैन कैरी दिस स्टाइल विथ एनी ऑफ योर टैंक टॉप ऑल्सो. इसको मैं हमेशा ही मेरे डेनिम्स या फिर स्कर्ट्स के साथ पेयर अप करती हूँ बट नाउ आई एम गोइंग टू वेयर इट विद दिस ब्यूटिफुल एंड कलरफुल मटका सिल्क साड़ी. आई जस्ट लव 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 दिस लुक. मैंने इसको अगेन गुजराती स्टाइल में पहना है बट दिस टाइम पल्लू को मैंने प्लीट्स ना करके ओपन रखा है सामने एंड आई हैव कंप्लीटेड द लुक विद द होल लॉट ऑफ सिल्वर ज्वेलरीज लाइक अ हेवी स्टेटमेंट ब्यूटिफुल नेक पीस विद अ पेयर ऑफ मैचिंग झुमकीज एंड ऑब्वियसली झुमकीज पहना है तो बालों को मैंने यहाँ एक मेसी बन बना लिया है. हाथों में एक स्लीक वॉच एंड अ स्टेटमेंट रिंग एंड दैट्स इट. यू विल एब्सोल्युटली रॉक द फैमिली डिनर और अ कैजुअल गेट टुगेदर और मे बी एन ऑफिस पार्टी. अब बारी है इस टाइम का जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडी टॉप है उसका जो कि है रफल स्लीव्स टॉप. ये इस तरह के टॉप खुद ही बहुत ज़्यादा स्टाइलिश होता है. मैंने इसको ऑनलाइन लिया था शायद फ्लिपकार्ट से बहुत ही सस्ते में और इसको मैं हमेशा ही मेरे ट्राउजर्स के साथ ही स्टाइल करती हूँ. आज मैं पहली बार इसको साड़ी के साथ स्टाइल करने वाली हूँ. क्योंकि व्हाइट एंड ब्लैक पोल्का डॉटेड टॉप है तो इसलिए मैंने एक रेड कलर का जॉर्जेट साड़ी चूज़ किया है बिकॉज व्हाइट एंड ब्लैक के साथ रेड इज़ द परफेक्ट कॉम्बिनेशन. इस साड़ी को मैं पहले काफ़ी सारे ब्लाउजेस के साथ ट्राई कर चुकी हूँ ऑलरेडी. अभी इसको वेयर कर रही हूँ इस टॉप के साथ एंड यू कैन सी दैट इट लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग. साड़ी को एकदम रेगुलर स्टाइल में वेयर किया है. बस पल्लू को थोड़ा सा लूज रखी हूँ राइट साइड से. टॉप को टक इन करके पहनी पेटीकोट में और लुक्स को थोड़ा और ज्यादा एजी करने के लिए आई एडेड अ ब्लैक बेल्ट ओनली. अब इस लुक को 90s का स्टाइलिश एक्ट्रेसेस का लुक्स देने के लिए बालों को मैंने एक हाई पॉनीटेल कर लिया है एंड एक्सेसरीज में आई केप्ट इट वेरी सिंपल. जस्ट एडेड अ पर्ल वन स्ट्रैंड शॉर्ट नेक पीस एंड अ मैचिंग सिंपल पर्ल स्टड इयररिंग एंड अ पर्ल स्टड रबर बैंड एंड अ स्लीक वॉच एंड दैट्स इट. यू आर रेडी टू स्ले एनी ऑफ योर कॉकटेल पार्टी और डिनर और एनी फैमिली गेट टुगेदर और एनी other event. This is one of the most stylish look in this whole lookbook. ओह, आज के दिन में किसी के पास क्रॉप टॉप नहीं है ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता. और मुझे ऐसा लगता है कि क्रॉप टॉप इज बेसिकली द वेस्टर्न वर्जन ऑफ अ ब्लाउज ओनली. क्योंकि आप कोई भी क्रॉप टॉप के साथ साड़ी को बहुत ही अच्छे से स्टाइल कर सकते हैं. मैंने ये क्रॉप टॉप लिया था jabong.com से पर्टिकुलरली साड़ी के ही साथ स्टाइल करने के लिए. इसको मैं ऑलरेडी आप लोगों को दिखा चुकी हूँ मेरा एक पैंट स्टाइल साड़ी ड्रेपिंग वीडियो में इसके पहले. तो इसके साथ मैंने यहाँ पे स्टाइल किया है दिस गॉर्जियस रॉयल ब्लू लिनन साड़ी को. एकदम नॉर्मल स्टाइल में साड़ी को वेयर किया है एंड साइड बन कर लिया है. स्टेटमेंट नेक पीस, हाथों में कड़ा एंड दैट्स इट. लुक्स सुपर स्टाइलिश एंड हॉट एज वेल. परफेक्ट फॉर एनी ऑफ योर प्रोग्राम. गाइस ये था मेरा आज का वीडियो. आई रियली होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो अ लॉट और आप लोगों को काफ़ी सारा आइडिया मिला होगा कैसे आप अपने रेगुलर टॉप के साथ साड़ी को टीम अप करके एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लुक क्रिएट कर सकते हैं और वो भी एकदम एफर्टलेसली. तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स फैमिली सब के साथ शेयर कर लीजिएगा क्योंकि ये सारे लेडीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल वीडियो होने वाला है. और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि इन सारों में से आपका कौन सा फेवरेट लुक है, आपको कौन सा लुक सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और इसमें से अगर आप कोई लुक ट्राई करते हैं तो मेरे साथ उसका फोटो इंस्टाग्राम में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा. मेरा इंस्टाग्राम हैंडल इज follow me 1212 मैं मिलूंगी आप लोगों के साथ बहुत ही जल्दी नया कोई वीडियो लेके. टिल देन यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी सेफ, लव यू ऑल गाइस, बाय बाय.